जानिए लोहड़ी पर्व से जुड़े कुछ रोचक बातें। लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति की दस्तक लेकर आता है, साथ ही जोश और उत्साह भी। पांच दरियाओं की धरती पंजाब के खास पर्व लोहड़ी की धूम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब होती है। जनवरी की सर्दी में आग के ताप के बीच मूंगफली, मक्का और गज्जक की महक इस पर्व में चार चांद लगा देती है। कहीं भांगड़ा होता है तो कहीं झोली भराई की रस्म। पंजाबी पकवान, पंजाबी पहनावा, पंजाबी लोक नृत्य इस दिन को और भी खास कर देता है। लोहड़ी पर्व से जुड़ी जानिए ऐसी ही कुछ रोचक बातें। लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी 13 जनवरी को मनाया जाता है। खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लोहड़ी की सबसे ज्यादा धूम रहती है। शादी के बाद जिनकी पहली लोहड़ी होती है या जिनके घर संतान का जन्म होता है उनके लिए लोहड़ी का त्यौहार बड़ा खास होता है। लोहड़ी पर लड़कियों को उपहार देने की भी एक खास प्रथा है। मायके से लड़की के लिए कपड़े, ज्वेलरी, मिठाई आदि आती हैं। इस पर्व की सबसे खास बात यह है कि इन दिन बच्चे लोग टोलियां बनाकर घर घर जाते हैं, लोहड़ी के गीत गाते हैं और शाम के लिए लकड़ियां और मिठाइयां इकट्ठा करते हैं। लोहड़ी के त्योहार में अग्नि देवता की पूजा की जाती है। शाम के वक्त लकड़ियां इकट्ठा कर खुले स्थान पर आग जलाई जाती है। सर्दी के मौसम में अलाव की ताप सभी को राहत देती है। घर महिलाएं अपने बेटे बच्चों को गोद में लेकर लोहड़ी की आग तपाती हैं। माना जाता है कि इससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बुरी नजरों से रक्षा होती है। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग भांगड़ा कर नाचते गाते हैं और जश्न मनाते हैं। लोहड़ी को मकर संक्रांति के आगमन की दस्तक भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन साल की सबसे लंबी आखिरी रात होती है। इसके अगले दिन से धीरे धीरे दिन बढ़ने लगते हैं। तिल, गज्जक, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी और मक्का के दाने लोहड़ी के प्रतीक हैं। इसे प्रसाद के तौर पर लोग एक दूसरे को बांटते हैं और लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हैं। आयुर्वेदिक के अनुसार इस मौसम में इन चीजों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक समझा जाता है। इसी प्रकार लोहड़ी का पर्व समाज और पर्यावरण के अलावा स्वस्थ शरीर का भी वरदान देता है। इसे लोक पारंपरिक और पुरानी संस्कृति जीवित रहती है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है। ये थी SM News की रिपोर्ट।